But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hi everyone, guess who I'm sabai ho, aap sab अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, मजे से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी मैंने एक ब्लॉग खत्म कर दिया था और दूसरा ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। एक्चुअली ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, यहाँ पर सभी ने फरमाइश की कि मम्मा मुझे चाउमीन बना दो, और मेरा मूड इतना खराब था ना, क्योंकि आपको पहले वाले ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मेरी तो शिवा ने मेरा फोन तोड़ दिया था और वो अभी ठीक नहीं हुआ है, तो मैं बना रही हूँ अपने पुराने वाले फोन में। ये फोन मेरा बहुत आदि था, जब भी मेरा फोन दो बार ऐसा हो गया, मतलब दूसरी बार है अभी, तो दूसरी बार भी मेरा फोन यही फोन मेरे पुराना फोन मेरे काम आया है। तो अभी इसने फरमाइश कर दी। और हाँ, एक बात आपको पहले बता देती हूँ, मेरे जो पासवर्ड में इतना परेशान थे पासवर्ड के पीछे ना, लेकिन बाद में वो मैंने रखे थे, संभाल के कर दी, तो मेरे रहे हैं अभी इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अदरवाइज ये भाई मेरा था और सुबह को चाउमीन खानी थी, शिवा को चाउमीन खानी थी, एक्चुअली सुबह ज्यादा फरमाइश है, तो आगे आ जाओ, मैंने पता भी यहाँ पे काट दी है। अब चलिए पता, मैं वैसे तो मैक्सिमम बनाते रहती चाउमीन, लेकिन क्या है कि कई बार मुझे कमेंट आ जाते हैं, जब कमेंट मुझे जरूर आते हैं, जब भी आप कुछ करते हो प्लीज बता दिया करो, फिर से रेसिपी आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर देखिए वर्ल्ड डाल दी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं लहसुन भी इसमें इसके अंदर डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा काट के। लहसुन है ये, मैंने हरी मिर्च काटी हुई है, यहाँ पर मेरी बीन्स है जो लंबे वाली फली होती है ना, कैप्सिकम काट के रखी हुई है, प्याज है, हरा धनिया है, थोड़ा सा ये हमने इसमें काट के लाए हैं, और ये रही यहाँ पे नूडल्स। नूडल्स जब मैंने बनाए ना, तो उसके अंदर ही मैंने नमक भी डाल दिया था, और साथ में मैंने इनको देखिए बाद में मैंने क्या किया, जैसे ठंडे होने लगे तो मैंने इनमें तेल डाल दिया, ताकि मेरे नूडल ऐसे खिले खिले से रहे, बना पक जाने लगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा। इसमें तेल इतना ज्यादा लग रहा है ना कि इसमें फैल गया है, वैसे थोड़ा सा ही। तेल मेरा गर्म हो चुका है, देखिए अभी मैं इसके अंदर डालूंगी ये ग्रीन चिल्ली और ये गार्लिक। मैंने बस एक मिनट तक की किया है, अब उसके बाद में फिर अंदर डालने वाली हूँ सारी ये जो भी वेजिटेबल है, हम इससे ज्यादा वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। अभी हम डालेंगे इसके अंदर नूडल, देखिए मेरे को कुछ चीजें बहुत अभी छीलना नहीं है, अभी हम नूडल को चीर नहीं करेंगे, अभी मैं सॉस कितनी भी सॉस आप डालना चाहते हो, सोया सॉस, टोमेटो, अब मैं डालूंगी इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, अब दिखाना आपने। सो फाइनली देखिए हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है, इसकी थोड़ी सी गार्निश करते हैं हरा धनिया के साथ। तो इस तरह से देखिए चाउमीन मेरी रेडी हो चुकी है, और ये चाउमीन सच में ना इतनी टेस्टी बनी थी, आप सबको एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ऐसे भुखड़ों की तरह पड़े हैं ना, जैसे पता नहीं कितने टाइम के भूखे हों। बताओ कैसी बनी है? अच्छी बनी है, एक्चुअली इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, होटल से भी ज्यादा है हमें। हाँ सच में, हाँ आप इस तरह से जरूर बनाइएगा और फिर बताइएगा मुझे कि आपकी चाउमीन कैसी बनी। ये रही मेरी चाउमीन, फुल प्लेट हो गई सुबह आज, फुल फुल प्लेट, इसको देखो, वेरी गुड। तो इसके बाद हो रहा है सुबह का टाइम, और अभी मैं बच्चों के टिफिन पैक कर रही थी, लंच आई मीन। तो मैं लंच में मैंने क्या दिया है आज, मैंने पत्ता गोभी के पत्रोड़े आई मीन पकौड़े टाइप में बनाए हैं, सुबह बोल रही थी शाम को, तो फिर मैंने वही। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ दो मंगूस की फाइट, दोनों बच्चे हैं क्यूट से। देखिए आपको कहाँ लड़ाई हो रही है उन दोनों की, आ जाओ जल्दी आ जाओ।
वेलकम बैक होम। आई होप इसमें आवाज क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैं एक ब्लॉग एडिट कर रही थी ना, वो मैंने अभी अपलोड होने को लगाया, तो इसमें आवाज ही नहीं आ रही है, ढंग की आवाज नहीं आ रही है, और दिख भी इसमें बड़ा अजीब रहा है, लेकिन जैसे भी है अभी कुछ दिन तक आपको इसी में ब्लॉग मिलने वाले हैं। क्या ब्लैक वाला स्नेक? मैंने नहीं देखा। कब? कब? अभी हमारे थे ना, हमने बोला, मैंने बोला तेरे घर तो पास ही है। किसने? पास ही है। कहाँ देखा आपने? मैं बताती हूँ दीदी, मैंने बोला ना, मैं थी, रिद्धिमा थी और रिद्धिमा की छोटी बहन थी, रिद्धिमा की छोटी बहन जो नाला नहीं है। फिर कब? बजे छुट्टी हुई। हाँ। तभी फिर अजीत, मैंने बोला तेरे घर पास है, स्कूल के पास है। हाँ। मेरा घर भी पास है, तो थोड़ी देर खेल लेते हैं। खेल रहे थे हम, खेल रहे थे मतलब दौड़ भाग कर रहे थे थोड़ी देर। है ना, फिर रिद्धि, रिद्धि दूसरी वाली दीदी, रिद्धि दीदी, रिद्धिमा का शॉर्ट निकनेम है रिद्धि, और उसकी बहन बोला रिद्धि दूसरी वाली दीदी इधर आओ। फिर मैं गई उधर, रिद्धिमा भी आई, बोले हाँ बोल क्या हुआ। फिर बोले वो देखो उधर स्नेक दिखा ना। फिर बाद में साइड में आया, वो एक छेद था उधर, उधर दिखा मैं हल्का सा, उसका हल्का सा ही दिखा, थोड़ा सा ही दिखा। स्कूल के पास ही? स्कूल के पास, ग्राउंड के नीचे। यहाँ पर देखो शिवा लेट गया है और सुबह अभी स्कूल से आ गई है। नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे का भी अभी शाम हो गया है, तो तब भी मैंने थोड़ा सा ब्लॉग, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग को एंड नहीं किया था, इसी तरह से ब्लॉग मिलेंगे। दूसरा फोन तो अभी देंगे, कल परसों तक ठीक करने, आज सैटरडे है, कल संडे सी कर लो। शिवा को बस स्कूल जाने की देरी होती है, उसको कोल्ड हो जाता है। मैं तो ठीक हूँ। आलसी लड़की, आलसी दुनिया की सबसे आलसी लड़की है ये। क्यों हंस रही है? हंसने के पीछे रीजन भी होना चाहिए, वरना ऐसे कहते हैं कि पागल। गले में कुछ चुभा? नहीं, मेरे गले में नहीं चुभा। आपने क्या चुभाया? चलो बंद करो इसको। तो इनकी यूटी है, इसलिए आज हम घर नहीं जाएंगे। वैसे हर सैटरडे को हम घर जाते थे, लेकिन आज नहीं जाएंगे। और शिवा बोल रहा था बार बार कि घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। कौन कौन लोग इस न्यूज़ से पूछे कि भाग दौड़ बच गई, कान कान दिखी है, घर नहीं गए, भाग दौड़ बच गई। और वहाँ पे ना रास्ता भी ऐसा हो गया है कि घास ही घास हो गई है, ऊपर को जैसे चलेंगे तो रास्ता तो आपने देखा ही है, बहुत लंबा है। और फिर आज हम जाते भी शाम को, तो फिर कल हमें फिर से वापस आना पड़ता, तो इसलिए इस बार हम नहीं जा रहे हैं। और फिर कल का दिन बच्चों को पढ़ाने में ही जाएगा। अभी भी अभी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं धोने को, तो पहले मैं उनको धो लेती हूँ। और कपड़े ना मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले ही धो दूँ, क्योंकि आजकल सूखते नहीं है कपड़े, ढेर लग गया मेरे। ये कितना सारा, एक बाल्टी मेरी यहाँ पर भरी पड़ी है अभी, और ये वाले कपड़े मैंने धो दिए हैं अभी, अभी वाले रह गए हैं धोने को। और सुबह बहुत हेल्प कर रही है, सुबह कर रही है। आई एम वॉशिंग द यूटेंसिल्स। अच्छे करना, अच्छे से देख लो जरा, अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही। कपड़े देखिए मेरे पूरे धुल चुके हैं, और ये पूरी रीलिंग आप देखोगे ना, यहाँ से लेके उधर तक आपको सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, इतने ज्यादा कपड़े मेरे हो गए थे। और कपड़े तो अभी डाल दिए सुखाने, लेकिन ये सूखेंगे नहीं। ड्रेसेस वगैरह का मुझे ज्यादा रहता है, क्योंकि ड्रेसेस वगैरह चाहिए, कल संडे है, वैसे भी कल अगर मौसम साफ रहा तो ड्रेसेस सूख जाएंगी। और अभी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। क्या कर रहे हो आप शिवा? आप क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? नया फोन कहाँ से देखेगा, जब नया फोन तुमने तोड़ दिया। ये क्या करते हैं ना, जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो इसको भी पहले व्लॉगिंग करनी है, ये बोल देता है कि मुझे वीडियो बनानी है मम्मा की। और जो भी यहाँ पे टीवी देख रही थी, मेरे फोन का फायदा उठा रही थी, ये टीवी पता कैसे चलाना पड़ता है हमें, जैसे मेरे फोन से हॉटस्पॉट ऑन करेंगे फिर ये चलेगा। पता नहीं होगा, सबके पास वो होता है ना डिश केबल कनेक्शन। हाँ, क्या ही कहाँ से आया, क्या ये किसने तोड़ा? उठा के काम रहते हैं, लगाओ लगाओ लगाओ, इधर दे मैं लगाती हूँ, मैं लगा। आज बता क्या सुबह ने सारे बर्तन साफ कर दिए, सारे बर्तन साफ कर दिए। वेरी गुड, वेरी गुड, अब तो सुबह मम्मा की हेल्पर बन गई। लेकिन आपने सिंक साफ नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं साफ कर दूंगी। घूम रही थी आपकी मार, इतनी बड़ी मकड़ी थी, सिर्फ मकड़ी से डर रहा था, और वो मम्मा ने उठाई ना, कहाँ थी मकड़ी? अच्छा अच्छा, तो अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं क्या बनाने वाली हूँ आज स्पेशल, मेरे पास ये नूडल है जो आपको दिख रहे होंगे, ये नूडल है, और इन्हीं नूडल से मैं आज सेमिया बनाने वाली। सेमिया हानी आपको बर्मी सिल्ली बोलते हैं, बर्मी सिल्ली।
इनको तोड़ेंगे देखो हम कैसे, मैं इनको बिल्कुल बराबर बराबर तोड़ूंगी। मैं बदलाव में हाथ में पकड़ी उसको मम्मा। किसको? हाथ में। ये देखो मैंने तोड़ दी है, मुझे लगता है कुछ ज्यादा बड़ी होगी, जैसे इनको बीच से भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी नूडल्स की खीर तैयार हो चुकी है, और देखिए अब पता नहीं खाने में कैसी होगी नूडल का टेस्ट। वैसे तो नूडल और सेमियां जो होती है आटे की होती है, आटे या मैदे की होगी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास फर्क आने वाला है। ये हो सकता है वैसे नमक तो इनमें नहीं होता, अगर नमक होता तब ये नहीं बनती मिठी, लेकिन इस ट्रिक को आप भी अपना सकते हो। सो अभी बज चुके हैं रात के 11 और मैंने अभी ब्लॉग खत्म नहीं किया था, तो सोचा ब्लॉग को खत्म कर लेती हूँ। शिवा और सुबी देखो सो गए हैं, एक्चुअली ये खाना खाते खाते ही सो जाता है आजकल, जैसे दिन को इसने रेस्ट नहीं किया था तो बस उसको खाना खाते खाते ही नींद लग जाती है। फिर तो इसको कोल्ड भी हो गया है शिवा को, बाकी सुबी तो अभी ठीक है। अब मंडे से इनके एग्जाम है, तो एग्जाम क्या मतलब हाउस टेस्ट है, तो उनकी मुझे तैयारी करवानी है इनकी। सो चलिए अभी डिनर वगैरह हो गया था, और वो सेमियां ना वो बताना भूल गई, अब एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास यहाँ सेमियां नहीं थी और मैंने कहा दुकान कौन जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 मिनट लगेंगे मुझे, 10-15 मिनट लगेंगे आराम से, मतलब जल्दी जाऊंगी तो 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 5 मिनट में अगर आराम से जाएंगे तो फिर कम से कम 15 मिनट लगेंगे बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं नहीं गई। आई होप आपको मेरा साउंड क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि इस फोन में थोड़ा वॉइस की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा कम आती है इसमें आवाज, तो प्लीज कम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अभी तक मैंने अपना फोन नहीं दिया है, देखती हूँ अभी मतलब मंडे तक देखती हूँ देने का उसको, उसको ठीक कराने में भी फिर मुझे लगता है वहां पे भी टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगी, ठीक है। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। और हाँ एक बात और, मैं आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना मतलब शनिवार को, तो उसको मैंने देखा, कमेंट आपके पढ़ रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मतलब उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी से मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ब्लॉग बनाने हैं। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।